बॉटम 18 क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पे आई कैप ने आपसे सवाल पूछा हुआ है, स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, अब उसने एज इट इज थ्योरी बेस्ड या रट्टा बेस्ड जिसे आप कहते हैं, वो उसने आपसे सवाल नहीं पूछा। इस दफ़ा वो कह रहा है कि भाई अब मैं आपको एक सिनेरियो दूंगा और उसके अंदर आपने जो है ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, जो कि एक डिफरेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेसिकली। नंबर वन, वो आपको इसके पार्ट में कह रहा है हाई टैक्स रेट्स ऑन हाई इनकम्स। जब अगर आप ज़्यादा इनकम जो बंदे कमा रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स रेट्स लगाएं तो इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आई कैप ने इसका आंसर दिया हुआ है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं हायर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। अच्छा, लग्जरी गुड्स के ऊपर जैसे मर्सिडीज हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, आप इसके ऊपर हायर टैक्सेस लगा रहे हैं तो बेसिकली इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, तो वो कह रहे हैं रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स ऑफ अननेसेसरी गुड्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है जी? बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है। अगर आपकी इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एडवर्स होगा एंड वाइस वर्सा। तो बेसिकली आप लग्जरी गुड्स के ऊपर क्या लगा देंगे, हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा देंगे, तो उसकी वजह से लोग लग्जरी गुड्स खरीदना कम कर देंगे और आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, इवन आपकी करेंसी जो है वो भी इम्प्रूव करेगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जी टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर वो बात करता है टू प्रमोट कल्चर ऑफ पेमेंट ऑफ डोनेशंस टू ओनली ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस। तो इसका फ़ायदा क्या होगा जी आपको, अगर इनको आप देंगे डोनेशन तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आप अप्रूव्ड लोगों को डोनेशन देंगे उससे आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है जी टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स पे टैक्स क्रेडिट देंगे, यानी वो कह रहे हैं अगर आपको टैक्स बेनिफिट दिया जाए, जितना आपका टैक्स बनता है उस पर बेनिफिट दिया जाए इन्वेस्टमेंट्स करने पे, तो ऑब्वियसली प्रमोट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट होंगी। क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन्स, टैक्स फ्री जोन्स बनाएंगे तो टैक्स टू गिव इंसेंटिव्स टू अंडर डेवलप्ड एरियाज। अच्छा, टैक्स फ्री जोन्स जैसे अभी गवादर बन रहा है, गवादर को फ्री जोन डिक्लेयर किया गया। अच्छा, उसकी वजह से क्या होगा, आप उसे जब फ्री जोन डिक्लेयर करेंगे तो लोग वहाँ पे जाके अपनी क्या लगाएंगे, फैक्ट्रीज, अपने बिजनेसेस लगाएंगे, तो उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अंडर डेवलप्ड एरियाज़ भी मुल्क के ग्रो करेंगे और जो आपके सिटीज़ जैसे ओवर पॉपुलेटेड है वहाँ पे पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी, बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट है जी टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है जी रेवेन्यू कलेक्शन करना। टैक्स लगाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, रेवेन्यू कलेक्शन करना। यहाँ पे कोई आपका नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व नहीं। टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन्स पॉइंट नंबर 7 है जी, टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन्स नॉट मेड थ्रू बैंकिंग नॉर्मल बैंकिंग चैनल। अच्छा, अब अगर आप नॉर्मल बैंकिंग चैनल से पेमेंट नहीं कर रहे, यानी कैश में आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स लगा देना। अब उससे क्या होगा कि जब आप कैश ट्रांजेक्शन्स के ऊपर टैक्स लगाएंगे और बैंकिंग चैनल के ऊपर नहीं लगाएंगे तो लोग क्या यूज़ करेंगे, बैंकिंग चैनल। तो जब वो बैंकिंग चैनल यूज़ करेंगे तो आपकी सारी ट्रांजैक्शंस क्या हो रही होंगी, बैंक स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, तो रिफ्लेक्ट हो रही होंगी तो उससे क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी। लास्ट पॉइंट है जी आपका पॉइंट नंबर 8, जीरो रेटिंग अंडर सेल्स टैक्स। तो अभी मैंने बताया कि जैसे एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, 0% एक्सपोर्ट्स के ऊपर 0% सेल्स टैक्स है टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स, तो जीरो रेटिंग का एक ये भी मकसद।